मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान मैं सुनाता हूँ। हुजूर फरमाते हैं, ला तज़ालु इसाबतु मिन उम्मती युकातिलून अला अबवाबी दिमश्क व मा हौलहा व अला अबवाबी बैतिल मुक़द्दस ला यदुर्रहुम खुज़लान मन खज़लहुम ظاهرين على الحق الى ان تقوم الساعه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم। मेरे आका फरमाते हैं, कयामत तक मेरी उम्मत में से एक जमात ऐसी होगी जो बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द हक के लिए लड़ रही होगी। हुजूर ने फरमाया कयामत तक लड़ती रहेगी, लेकिन साथ में उनके लिए मेरे आका ने फरमाया पूरी दुनिया के बुरा चाहने से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसका मतलब क्या है? अगर आप हमसे पूछते हैं कुछ नहीं बिगड़ेगा, हुजूर ने फरमाया कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम तो देख रहे हैं उनके घर तबाह हो गए, बच्चे मर गए, छोटे बच्चों के सरों से बाप का साया निकल गया, किसी के सामने उसकी मां की तड़पती हुई लाश है, और हदीस में कहा जा रहा है उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सब तो बिगड़ गया, माल भी गया, दुकान भी गई, तिजारत भी गया, घर भी गए, औलाद भी, रिश्तेदार भी, और हदीस में कहा जा रहा है कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे अजीजो याद रखो, मेरे आका का फरमान हक है। कुछ नहीं बिगड़ेगा का मतलब क्या है? ये तमाम असबाब जाने का मतलब ये नहीं है कि बिगड़ गया। बिगड़ा तो उसका है जिसका ईमान बिगड़ गया, ईमान जिसका गया उसका सब बिगड़ गया। और हमने उन बच्चों को देखा है आज, अरे रात को सोते हैं तो उन्हें पता नहीं होता सुबह होगी भी कि नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद एक दिल दहला देने वाली बात मैं बताता हूं। मिस्र की सरजमीन से लोग पानी के बोतलें और डब्बे उठा उठा करके बॉर्डर पर जा रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन गज़ा के वो मुसलमान कहते हैं अपना पानी तुम रखो, अल्लाह करीम हमारे लिए कहीं से अपनी ही जमीन से पानी अता करेगा। उनको लोग कह रहे हैं, क्या आप नहीं देख रहे वक्त का बड़ा फिरौन रोज अल्टीमेटम देता है, 24 घंटे में इलाका खाली करो, निकल जाओ, घर खाली करो। कैसा ईमान है तुम्हारा कि आने वाली बड़ी बड़ी मिसाइलों का अपने सीने से मुकाबला करते हैं। और कहते हैं कल से हम यही थे, आज भी यही हैं और यही रहेंगे और इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। ये जो इस्तेकामत है, इसी को मेरे आका ने फरमाया दुनिया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ईमान अगर मजबूत है तो कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे 6 साल की बच्ची, 6 साल की बच्चियां, ट्रेंड चला हुआ है उनके मोहल्लों में, ट्रेंड चला हुआ है, अपने अपने हाथों में मेहंदी से अपना नाम लिख रही हैं, हंसी खुशी। पूछा उनसे कि नाम लिखने का ट्रेंड क्यों चला है अभी जंग के हालात में मेहंदी से? कहती है कल को अगर हम उड़ गए, चेहरा नहीं मिला, जिस्म नहीं मिला, हाथ अगर बचा हुआ हो तो नाम देखकर हमारे मां बाप पहचान तो सके। शहादत का यह जज्बा, शहादत का यह जज्बा 6 साल के बच्चों में अगर आया है, यकीनन उनके सीनों में ईमान मौजूद है, ईमान मौजूद है। मेरे अजीजों जरा अपने हालात पर जरा तवज्जो करो, मौला करीम ने हमें किस चीज की कमी दी है, कौन सी चीज कम आई हमारे घर में? हम तो मुरक्कन गिजाएं रोज खाते हैं, आज हमारे पास सारी नियामतें अल्लाह ने दी हैं। हम अय्याशियों के अड्डों पर पूरी रात गुजारते हैं, हमारे शहर आज जिस गली से गुजर जाए सुबह की अजान तक यहां गप्पे लगाते हुए खड़े रहे। ऐ मेरे अजीजों, हालात तो हमारे ऐसे हैं कि खा खा करके चर्बियां चढ़ गई, हमें उनका क्या एहसास हो पाएगा, उनका क्या एहसास हो पाएगा जिनके यहां पानी से ज्यादा खून देखा जाता है, जिनके यहां जिंदों को पकड़ने के लिए नहीं अब मुर्दों को पकड़ने के लिए लोग भी नहीं है। अजीजा ने गिरा में वकार, जनाजा उठाने के लिए लोग पूरा दिन इंतजार करते हैं, कोई नहीं है। पुरसाने हाल, इन सब हालात के बावजूद मैंने एक बच्चे को भी वहां से ये कहते हुए नहीं सुना कि हम पर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, हमको यहां से निकाल लो, मदद करो, कोई आओ, नहीं। वो सब सिर्फ इतना ही कहते, जो कुछ हो रहा है हम अल्लाह के पास जाकर कहेंगे, ये सारे मामलात हम अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे। यह है ईमान, यह है इस्तिकामत। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान आलीशान के मुताबिक उनके लिए इतनी ही बड़ी दौलत काफी है। आखिर में मैं इतना कहूंगा, इसराइल के कुत्ते और सालिम मिलकर ईंट से ईंट बजा दें, उनके
टुकड़े टुकड़े करके राख कर दे तब भी हम कहेंगे फतह तो बैतुल मुकद्दस की ही है, फतह तो उन मजलूमों की है जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था फिर भी वो डटे रह गए। तुम्हारे पास तो पेट्रोट मिसाइल बड़े बड़े, तुम्हारे पास तोप, बहुत सारी चीजें होकर बच्चों पर, हॉस्पिटल पर, न जाने कितनी जगहों पर तुमने बमबारियां की हैं। मुझे हैरत होती है पूरी दुनिया आज भी खामोश तमाशाई है। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? और जब जुल्म अपने उरूज को पहुंचता है अल्लाह की पकड़ आती है, अल्लाह का अजाब आता है। और जब अल्लाह का अजाब आता है तो जितने खामोश तमाशाई थे सब उस अजाब में गिरफ्तार होंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आप हमसे अगर ये पूछते हैं हमें यहां बैठकर करना क्या चाहिए, हम कैसे करें, तुम्हारा दिल अगर रो पड़ा उनके दर्दों से यह भी लिखा जाएगा, यह भी लिखा जाएगा। यह बंदा जा तो नहीं सकता था लेकिन अपने भाई के दर्द में ऐसा बेकरार था कि इसका खाना छूट गया था, ऐसा बेकरार था कि इसकी नींदें खत्म हो गई थी, यह भी लिखा जाएगा अल्लाह की बारगाह में। लेकिन यहां बैठ करके हम अय्याशियों पर अय्याशियां करें, अपने गुनाहों से कभी बाज ना आए तो फिर मेरे अजीजों उन निहत्य मजलूमों के हम बहुत खतरनाक किस्म के दुश्मन कहलाएंगे, जहां उनको पानी का एक कतरा नहीं, जहां उनके लिए लुकमा नहीं, वो किसी का बचा हुआ कचरा खाने पर मजबूर है। उस वक्त हमारी बर्तने खानों से भरी हुई हैं, हमारी दावतों में हमारे बचे हुए खाने गटर और नालियों में बह रहे हो। इन हालात में मेरे अजीजों पकड़ होगी हमारी भी, पकड़ होगी। बदलो अपने हालात, उठो वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, ये जो हालात पैदा हुए हैं पूरी दुनिया में, ये मेरे आका के फरमान के मुताबिक अंदेशा ये लग रहा है अनकरीब इमाम मेहदी का जहूर होने वाला है, इमाम मेहदी का जहूर होगा और हालात बदल जाएंगे। लेकिन हमको किसी के आने का इंतजार करते हुए हालात का इंतजार नहीं करना है, अभी बदलो, आज बदलो, अल्लाह की तरफ दौड़ो और उससे गिड़गिड़ा कर कहो कि मौला करीम हमारे शामत अमाल, हमारी बुराइयों के सबब अगर ये तेरी पकड़ है, हम तौबा करते हैं तेरे दरबार में। जानते हो मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह के गजब को अगर कोई चीज ठंडी करती है तो एक मोमिन साले की रिक्कत अंगीज दुआएं और उसके निकलने वाले आंसू अल्लाह के गजब को ठंडा करते हैं, अल्लाह के गजब को ठंडा करते हैं। तुम गिड़गिड़ाओ उस मौला की बारगाह में, ये नहीं कि इज्तिमाई तौर पर किसी के सामने आप रो धोकर चले गए या फिर आप लोगों को दिखाने के लिए कोई स्टेटमेंट जारी कर दिए, नहीं, तन्हाई में बैठे हो, अकेले में बैठे हो। जैसे कि कल एक बहुत अच्छी चीज मैंने देखी थी, हमारे उलमा ने ऐलान किया था पूरी दुनिया मिलकर के जुमेरात का रोजा रखे, इसलिए कि रोजा अल्लाह को पसंद है। और इफ्तार से पहले अगर कोई दुआ करे, अव्वल दुआ हमारी उन मजलूमों के हक में हो, उन जालिमों के खिलाफ हो, मजलूमों की मदद के लिए हो, यकीनन अल्लाह की मदद आएगी और आएगी, क्योंकि कुरान बार बार कहता है अला इन्ना नसर अल्लाह करीब, आगाह हो जाओ बेशक अल्लाह की मदद बहुत करीब है, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। अजीजाने गिरामे वकार, मैं इन्हीं तमाम बातों से अपनी गुफ्तगू को आज समेटता हूं। आज के इन हालात में आपकी जिम्मेदारी है अपने ईमान पर मजबूती से जमे रहो, इस्तेकामत। बाज लोगों को आज ये लगता होगा कि वहां हालात बिगड़े हैं तो ये मुसलमान क्या करेंगे, क्या करेंगे हम, क्या करने वाले, वैसे ही हम खत्म किए जा चुके हैं, टुकड़े किए जा चुके हैं, हम कुछ करने, बस तुम अपनी जिंदगियां बदलो, नशा से बाज आ जाओ और जितने खुराफात हमारे मोहल्लों में आए इससे निकालो। अल्लाह का अजाब आता है, अल्लाह की रहमतें रूठ जाती हैं। एक बार हम बदल लिए तो मौला करीम अपनी रहमतों के साहिबान फरमा देगा हम पर। और बस हम, हमारी तमन्ना यही है, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, कदीर जब्बार खुदा कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमा। हे रब्बे करीम अहसन अल खालिकीन, हम सब अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करते हैं मौला, हमारे गुनाहों की वजह से अगर तेरा ये सख्त तेरी सख्त पकड़ है तो मौला तू अपने गजब को ठंडा फरमा दे, तू अपने गजब को ठंडा फरमा दे, मौला तू अपने गजब को ठंडा फरमा दे। ए करीम खुदा, तेरे हबीब की उम्मत तड़प रही है
और हर जगह मौला जुल्म सितम का निशाना उन गरीब मजलूमों को बनाया जा रहा है जिनके पास एक वक्त का खाना भी बाकी नहीं रहा। मौला तू अगर मदद नहीं करेगा तो कौन मदद नाजिल फरमाएगा। ऐ रहमान हमारा अकीदा है तू ही वो खुदा है जो अबाबीलों को भेजकर अब्रहा को हिला किया, तू ही वो खुदा है जो बद्र में अपने नबी के लिए 5000 फरिश्तों को उतारा। ऐ मौला तू ही वो खुदा है जो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से जिंदा सलामत निकाला, तू ही वो खुदा है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़कती हुई आग से जिंदा महफूज फरमाया। ऐ कदीर व जब्बार खुदा कल भी तू हय्यू कय्यूम था, आज भी है और हमेशा रहेगा, हमारे इस अकीदे की लाज रख ले और गैब से मौला तू अपनी मदद नाजिल फरमा उम्मते मुस्तफा के लिए खैर फरमा, हम सबको अमन अमान अता फरमा। ए रब्बे करीम उन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दे, मजलूमों को मौला अमन की सांस अता फरमा। हमारी खुशियां अगर लिखी हुई है ए रब्बे खदीर हमारी खुशियों में से उनको ये तकसीम फरमा दे, अल्लाह हमारी हिस्से की खुशियां उन्हें तकसीम फरमा दे। ए रब्बे करीम हमारे अमन और सुकून को उनके दरमियान तकसीम फरमा दे। ऐ अल्लाह उन बिलकती हुई माओं की आवाज़ें हमारी नींदें उड़ा चुकी हैं मौला, उन बच्चों के जख्मी चेहरे मौला बार बार हमारी आंखों को तरसाते हैं मौला, कब तक ये तेरी आजमाइश होगी, कब तक ये इम्तिहान होगा। ऐ कदीर व जब्बार खुदा तुझे तेरे हबीब की नालहन का वास्ता, उन सबको जुल्म सितम से आज़ाद फरमा दे। अल्लाह जुल्म सितम से आज़ाद फरमा, अमन व अमान अता फरमा, खैर व सलामती अता फरमा। हमारे इस मुल्क अजीज़ हिंदुस्तान को अमन व अमान का गहवारा बना दे। अल्लाह हम सबको मोहब्बत व आश्ती का पैगाम और उल्फत व मोहब्बत के साथ जीने की तौफीक अता फरमा। मौला हमारी दुआओं को हुजूर के सदक़े कबूल फरमा।